माई डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8, वेलकम बैक वंस अगेन एंड टूडे वी विल कंटिन्यू विद अवर चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज एंड दिस इज पार्ट 2. बेसिकली आई एम गोइंग टू कवर दिस चैप्टर इन टू 4 पार्ट्स एंड दिस इज पार्ट 2. वी ऑलरेडी सीन कि इंडिया की सेंसस क्या होता है पार्ट 1 में, है ना. सेंसस एवरी 10 ईयर्स में क्यों कंडक्ट किए जाते हैं एंड हमको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. इंडिया की पॉपुलेशन क्या होती है, मीन्स इंडिया की पॉपुलेशन स्टेट वाइज कैसी है, हमको क्यों एक क्वालिटेटिव पॉपुलेशन डेवलप करनी चाहिए. ऑल दैट वी हैड डिस्कस इन अवर फर्स्ट पार्ट एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकेंड पार्ट, दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, एग्जैक्टली बिलो माई इमेज यू विल सी पॉपुलेशन ग्रोथ. तो देखो, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ यानी इंडिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, ये हम लोग इस पैराग्राफ में देखेंगे. ओके, सो लेट मी रीड. फर्स्ट ऑफ ऑल, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज बाय 18 करोड़ 10 लाख. 18.1 करोड़ मीन्स 18 करोड़ 10 लाख. ओके, इन अ डिकेड बिटवीन 2001 से लेकर 2011 के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन 18 करोड़ 10 लाख से बढ़ गई. हाउएवर, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज गोन डाउन, विच इज़ अ नॉट वर्थी पॉइंट, है ना. हमारा जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो अब कम हो गया है, जो बहुत अच्छी बात है. ओके, मोर ओवर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिटरेट एंड एजुकेटेड सिटीजन. और ये तो चलो अच्छी बात है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो तो कम हुआ, पॉपुलेशन अब मतलब इन फ्यूचर कंट्रोल में आ जाएगी. लेकिन हमारे जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन जो अभी है ना, वो भी अब ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई है और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गई है, तो ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्लाइड में. सो यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि चल क्या रहा है देश में, कितनी पॉपुलेशन है. ओके, नाउ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001 इज 102 करोड़ 102 एंड 87 लाख पॉपुलेशन थी इंडिया की, 102 करोड़, एंड विच हैज इंक्रीज टू 121 करोड़, मीन्स 0.1 लाख भी होगा इन 2011. तो अभी हमने देखा कि कुछ इंडिया का जो 18 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 121 टू 102 तो आपको यूजुअली 19 ही मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा लैक्स के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से इट इज़ समवेयर 18 करोड़. ओके ओके, आई फील कि ये 18 करोड़ या उससे नीचे ही रहे जब हम लोग 2021 में पॉपुलेशन काउंट करें. ओके, तो हम लोग मानेंगे कि हाँ पॉपुलेशन का ग्रोथ थोड़ा कंट्रोल में आया है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज अ मैटर ऑफ वरी अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हेंस वेरियस पॉलिसीज एंड स्कीम हैव बीन लॉन्च टू ब्रिंगिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर कंट्रोल. हमारी गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च की और ये सच में एक चिंता की बात है. अभी जो 18 करोड़ लोग नए आए तो इनके लिए नए घर बनाने पड़ेंगे, इनको नया पानी का कनेक्शन देना पड़ेगा, इन लोगों को नए रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, ये लोग उतना ही कचरा कूड़ा प्रोड्यूस करेंगे, है ना. तो कहीं ना कहीं लोड तो आता है कि नहीं आता है गवर्नमेंट पे. कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज गोन डाउन बाई 1.7. वेरी गुड. चलो, ये पहले कुछ 2.2 हुआ करता था जो गिर के 1.7 हो गया. एंड फ्रेंड्स, राइट नाउ इट इज इन 2020, ये 1 के भी नीचे आ गया है. यू नो अभी कितना है, 0.99. आपको ये एग्जाम में कहीं पे सो अप नहीं करना है, बट आपको तो बस 1.7 ही बताना है. ठीक है, चलिए. अब ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ी. तो देखो, अभी आपको एक चार्ट दिखाया जाएगा. ओके, नाउ हियर इज अ चार्ट फॉर यू. ओके, एंड इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है चार्ट शोइंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया. तो देखो, ये बात होती है, पहले अगर आप बिल्कुल यहाँ पे आओगे ना एक्सट्रीम लेफ्ट बॉटम में, तो यू विल सी 1901, यानी आज से कुछ 120 इयर्स पहले इंडिया की पॉपुलेशन ओनली 23 करोड़ एंड 83 लाख हुआ करती थी, जो 2011 में 25 करोड़ एंड 20 लाख ही थी. इन 2021 25 लाख एंड 13 लाख, इवन कम हो गई थी 7 लाख से. तो अगर मैं सिंपल बात बोलूँ, आज से 100 साल पहले इंडिया की पॉपुलेशन ओनली 25 करोड़ एंड 13 लाख हुआ करती थी. ओके,
नाउ अब होता है ऊपर की तरफ जाना। 31 में हम 27 करोड़ हुए, 41 में हम लोग 31 करोड़ हुए, एंड फिर पाकिस्तान एक कंट्री अलग हो गया। एंड 51 में भी हम लोग कुछ 31 करोड़ ही थे। अच्छा, यानी आज़ादी तक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत अच्छे से कंट्रोल में थी, लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू होगी। 61 आते आते हम लोग 43 करोड़ हो गए, 71 आते आते हम 54 करोड़ हो गए, 81 आते आते 68 करोड़ हो गए, 91 आते आते 84 करोड़ हो गए, एंड 2001 में 102, एंड 2011 में 121, एंड माइट बी इन 2021 हम लोग कुछ 138, 139 या 140, पता नहीं कितना होगा, बस इसमें ही रहेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। मे बी 139 करोड़ हो, उससे ज़्यादा ना हो तो अच्छा है, बट हु नोस, अभी कोरोना चल ही रहा है, पता नहीं कितने और मरेंगे। एनी हाउ चलो, बट इस तरह से लोग मरे वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअली हमको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देखा कि पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन कुछ कारण भी तो रहे होंगे ना कि पॉपुलेशन इतनी एकदम से क्यों बढ़ गई। सो हियर आर द रीजंस। ओके, सो हियर इज योर फर्स्ट रीजन, रीजंस फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ऊपर लिखा है, पॉपुलेशन इंक्रीज इज नेचुरल फिनोमिना, बट देर आर वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ, दीज आर एज फॉलोज। तो पॉपुलेशन बढ़ने, पॉपुलेशन नेचुरली बढ़ती है, तो ये नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन कुछ चीज़ें और होती हैं जो इसके बढ़ने में कंट्रीब्यूट करती है। फर्स्ट इज द इमिग्रेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग, एजुकेशन और जस्ट फॉर सेटलमेंट पर्पस। अब मान लो एक कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन 1 लाख है, मान लेते हैं 50,000 इंडियंस वहाँ से जॉब करने के लिए वो कंट्री में गए और वहाँ पर ही बस गए, तो क्या वो कंट्री की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। इसको बोलते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। लोग एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं और उस कंट्री में जाके बस जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपकी कोई रिश्तेदार में कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, जाते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को तो मंगल ग्रह भेज दो। एनी हाउ, इट्स जस्ट जोक्स अपार्ट, बट इमिग्रेशन पहला कारण होता है, ठीक है। अगर कुछ लोग दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आके बस रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ लोग हमारे देश से जाकर दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अच्छा है, पॉपुलेशन कम हो रही है। तो पहला कारण था इमिग्रेशन। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बांग्लादेश से लोग आसाम में आके सेटल हो गए, आज़ादी के टाइम पे बहुत सारे पाकिस्तान से लोग इंडिया में आए थे। तो ये भी कुछ कारण होते हैं पॉपुलेशन के बढ़ने के। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ। हाँ, सेकेंड इज द लोअर डेथ रेट इन द लास्ट 2 डिकेड्स। मतलब अब पहले लोग बहुत मरते थे, बीमारियाँ ही बहुत सारी थी, है ना, बट अभी है ना, ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटी लोग जल्दी मरते ही नहीं है। तो ये लो डेथ रेट जो है, पर 1,000 में से हम लोग 7 लोग मरते हैं, एंड पर 1,000 से 17 लोग पैदा होते हैं। तो जो बीच का 10 का गैप होता है ना, वो मतलब पॉपुलेशन को बढ़ाता है। अर्लियर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज लो एज द इन्फेंट एंड द फीमेल मोर्टेलिटी रेट वॉज हाई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लेट मी इन्फॉर्म यू। देखो, एक बच्चा जब पैदा होता है और वो जब पैदा होने से 1 साल के बीच में, तब उसकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। क्यों? उसका बॉडी बहुत कमज़ोर होता है, उस पर अलग अलग वायरस बैक्टीरिया अटैक करते हैं। एंड इवन पहले तो जब मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होते थे, तो बहुत सारी फीमेल्स तो बच्चे को पैदा करने के टाइम पर ही मर जाया करती थी। ये पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब सब ये सब अच्छी मेडिकल फैसिलिटी आने की वजह से सब चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं। तो अभी इसलिए एक तो पॉपुलेशन फिर कम हो नहीं रही है, मौत कम हो रही है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन डाइंग ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर मेडिकल एड वॉज हाई। तो पहले मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा होने की वजह ना होने की वजह से ज़्यादा फीमेल्स की डेथ हो जाया करती थी। द मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड द रोड्स वे आर नॉट गुड एज नाउ, सो पीपल कुड नॉट रीच द मेडिकल सेंटर ईजीली इन टाइम्स ऑफ नीड। पहले तो इतनी सड़कें अच्छी डेवलप नहीं हुआ करती थी, गाँव में हॉस्पिटल बहुत दूर दूर होते थे, तो बहुत सारी फीमेल्स तो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाया करती थी। सो ये भी कुछ कारण है, ठीक है। एंड नाउ देर वॉज नो कंट्रोल ओवर द डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफॉइड एंड प्लेग एक्सेट्रा।
और ये जो बीमारियाँ थी कोलेरा टाइफाइड एंड प्लेग ये बहुत गंदी तरीके से फैलती थी, इससे बहुत ज़्यादा लोग मरा करते थे। लेकिन आजकल हम लोगों ने वैक्सीन डेवलप कर लिए तो ये सारी बीमारियाँ हमने कंट्रोल में कर ली है, अब कोई मुश्किल से इन बीमारियों से मरता है। इवन कोलेरा को भी हमने काढ़ा पी पी के दूर रखा हुआ है ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। इवन द फेमाइंस वेयर मोर फ्रिक्वेंट स्क्रम्बलिंग मैनी लाइव्स, मेडिकल फैसिलिटी वेयर नॉट एज डेवलप एज एक्सेसिबल एज नाउ। फेमाइंस क्या होता है? सी फ्रेंड्स, पहले है ना, अगर मान लो एक साल बरसात नहीं आई तो फेमाइन यानी सूखा पड़ता था, सारे आपके तालाब सूख गए, ये सूख गए। तो पहले इतना मतलब वेल डेवलप सिस्टम नहीं था, तो बहुत सारे लोग भूख और प्यास से मरते थे। यू नो 1772, अगर थोड़ा ईयर ऊपर नीचे हो गया हो तो एज्यूम करो पॉपुलेशन ऑफ बंगाल स्टेट की बात कर, एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, 3 करोड़ पॉपुलेशन थी, फेमाइन आया 1 करोड़ लोग मर गए, समझ रहे हो, 1/3 पॉपुलेशन साफ हो गई, ओनली 2 करोड़ लोग ही बचे। तो ऐसी मतलब फेमाइन की वजह से भी बहुत डेथ हुआ करती थी, बट नाउ हमारे पास बिस्लरी की बोतल अवेलेबल है तो पानी तो कहीं से भी लोग मिल जाता है। और दूसरा लोग क्या स्मार्ट वर्क करते हैं, अभी थोड़े दिन कुछ साल पहले महाराष्ट्र में फेमाइन हुआ था, तो क्या हुआ, तो लोगों ने बहुत स्मार्टली अलग अलग स्टेट में मूव कर गए, कोई हरियाणा चला गया, कोई पंजाब चला गया, कोई राजस्थान चला गया, है ना। एंड लोग पानी की बोतल से पानी पी लेंगे यानी जिंदा तो रहेंगे, हाँ थोड़ा नहाएंगे धोएंगे नहीं चलेगा बट जिंदा तो है ना। सेकेंड थिंग, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी ट्रेन्स पानी भर भर के उधर भेज दिया, इवन टैंकर्स ये सब भी हम लोग भेज रहे थे। सो आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भूख और प्यास से मर जाए, ठीक है। ये पहले हुआ करता था, अब तो बहुत ही अच्छा मेडिकल फैसिलिटी आ गई है ना, मरने नहीं देते, 108 पे तुरंत फ़ोन कर देते, एक्सीडेंट होता नहीं तुरंत सामने से 108 वाले आते उठा के उसको क्योर भी कर देते हैं। एनी वाला आप लोगों ने सीरियल्स में देखा होगा, वो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो शॉक देते हैं और बंदा जग उठता है, ठीक है, मरने ही नहीं देते हैं। वो एक सॉन्ग है ना, जाने नहीं देंगे तुझे, है ना, किसको जाने ही नहीं देते हैं, इधर पकड़ के रखते हैं, इसलिए पकड़ के रखोगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। चलो अब हम बात करते हैं आगे। द सिनारियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज टूडे, आजकल की बात करो तो पूरी एकदम से सब कुछ बदल गया है। न्यूट्रिएंट्स फूड इज़ एक्सेसिबल इजीली अवेलेबल पीपल, जो खाना होता है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन विटामिन मिनरल्स होते हैं वो हमको इजीली मिल जाते हैं। आप लोग देखना जितने बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो सब अच्छा इम्यूनिटी मसल्स बिल्ड करने वाला खाना खाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज वेयर अंडर कंट्रोल ड्यू टू द एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, सारी बीमारियों के हमने लगभग एक तरह से क्योर कर लिया है, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है और वो बीमारियाँ हमको होती नहीं है। इमीडिएट मेडिकल हेल्प एंड स्पीडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर इजीली अवेलेबल, तो ये जो मेडिकल इमीडिएट हमको जो मेडिकल हेल्प मिलती है और जो हमारा फटाफट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप किया हुआ है, कम्युनिकेशन जो हमने डेवलप किया हुआ है, इससे क्या हो रहा है, बहुत कम मौतें हो रही हैं। प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड द पीपल हु गेट अफेक्टेड इन द रिहेबिलिटेशन फास्टर। प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मतलब देखो, समुद्र में सुनामी आने से पहले हमको पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, तूफान आने से पहले हमको पता चल जाता है कि ये अरेबियन सी में से तूफान आने वाला है, तो हम गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है भाई कोई फिशरमैन वहाँ जाएगा नहीं। और पहले क्या होता था, फिशरमैन चले जाते थे और तूफान आ जाता था और बहुत सारी डेथ ऐसे ही हो जाया करती थी। दस द डेथ रेट इम्प्रूव्ड, सॉरी द डेथ रेट गॉन डाउन, इसलिए मरने वालों का जो रेट है वो बहुत कम हो गया है। एंड दिस हैज बीन हायर पॉपुलेशन ग्रोथ अपार्ट फ्रॉम द अबाउ फैक्टर्स, द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन हैज इंक्रीज्ड, इंसान की जो जीने की जो क्षमता थी वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, ठीक है। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन इन 1920 इज 40-41 ईयर्स, आज से 100 साल पहले इंसान जो है वो ऑन एन एवरेज 40-41 साल जीता था, 40-41 ईयर, विच हैज नाउ इंक्रीज टू 63-64 ईयर्स, टॉकिंग अबाउट 2011। एंड ये आपको आंसर में ये लिखना है, लेकिन आपको मैं थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ, 2020 में इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अब 70 हो गई है, कोरोना है तो भी ये हाल है, बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम।
There are many responsible and increasing of the birth rate. Few are of them are illiteracy, superstition, orthodox thinking, social custom, where the male child is considered the important, child marriages, poverty, widow remarriages, negative attitude toward the idea of the small family. So, देखो अब दूसरी चीज़ क्या है, population क्यों बढ़ रही है, birth rate बहुत ज़्यादा है, मतलब बच्चे उतने वैसे ही पैदा हो रहे हैं जैसे पहले पैदा होते थे. हाँ थोड़े कंट्रोल हो गए, पहले 8-10 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब सिंगल पेरेंट को 2 या 3 मुश्किल से होते हैं, कुछ कुछ पेरेंट तो एक ही बच्चा पैदा करना प्रेफर करते हैं. उसका मेन कारण क्या था, इलिटरेसी. पहले के लोग ऐसा सोचते थे जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना हमारे देश के लिए अच्छा है, पर उसमें सब गुड़गोबर हो गया. सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, ठीक है. ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग यानी वो पुरानी परंपरा रस्म रिवाज को जो फॉलो करते हैं, सोशल कस्टम होते हैं कि भाई बच्चा तो होना चाहिए, है ना. देखो अगर किसी को बच्चा किसी को मेल चाइल्ड चाहिए, तो मान लो 3 लड़कियां हो गई, तो भी वो चौथे बच्चे के लिए जाएंगे, नहीं हमको तो लड़का ही चाहिए, लड़की हुई 5वां. रिसेंट केस बिहार में मैंने सुना था, यहाँ पे 11 गर्ल्स के बाद फिर लड़का पैदा होता है, तो भाई अंकल जी बोलते हैं कि बस अब बहुत है, है ना. क्या बहुत है, 1 दर्जन बच्चे पैदा कर दिए अंकल आपने, है ना. तो अभी भी ऐसे थिंकिंग वाले लोग इंडिया में हैं. तो राइजिंग पॉपुलेशन कॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स. अब जो पॉपुलेशन बढ़ जाती है उससे क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमको, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाना नहीं मिलता, वाटर की प्रॉब्लम होती है, हाउसिंग, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलता है, कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती है, ट्रैफिक कंजेशन, है ना, ट्रैफिक में तो बाप रे बाप बहुत भीड़ होती है. एंड टू डील विद सच प्रॉब्लम्स मैनी पॉलिसी स्कीम्स लीगल मेजर्स हैव बीन प्लान, और गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें प्लान की. क्या प्लान किया, देखो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ प्लान किया है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए. वेल थिंग्स टू नो, एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, द अप्रोप्रिएट मैरिजेबल एज फॉर द मेल्स इज 21 ईयर्स. लड़कों के लिए शादी की उम्र है ना 21 कर दी गई है, एंड फॉर द फीमेल इट इज 18 ईयर्स. वो 18 ईयर्स है. अच्छा, आप कोई लड़का है जो 20 ईयर्स से नीचे है और लड़की जो है वो 18 ईयर्स के नीचे अगर शादी करे तो क्या होगा, मैरिज बिफोर दिस एज इज अ क्राइम, उसको सजा होगी. बच्चों को तो सजा नहीं होगी, उनके पेरेंट्स को मतलब जेल की हवा खानी पड़ेगी. ओके सो अभी बात चल रही है कि फीमेल्स की भी एज शायद 21 कर दी जाए, बट मे बी हो जाए तो अच्छी बात है. ओके तो गर्ल्स को भी ज़्यादा टाइम मिलेगा अपना एजुकेशन कंप्लीट करके अपने पाँव पे खड़े होने के लिए. चलिए लेट्स थिंक अबाउट दिस एंड डिस्कस. लीजर द चिल्ड्रन बेटर द डेवलपमेंट, है ना. जितने कम बच्चे होंगे उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा. स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना, वरना तो दुखी परिवार रहता है. नाउ डिस्कस इन ग्रुप एंड डॉक्यूमेंट एंड आउटकम ऑफ द फैमिली. डू ऑल द सोसाइटी चेरिश द आइडिया ऑफ द स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली. क्या सभी लोग हमारे कंट्री में स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली का लोगों फॉलो करते हैं? यस करते हैं. बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट वो लोग भी मोर ऑर द लेस समझ ही जाएंगे. व्हाट शुड बी डन टू रिमूव द सुपरस्टिशन बिलीफ ऑर्थोडॉक्स व्यूज इलिटरेसी फ्रॉम द सोसाइटी. वेल एक ही रीज़न है उसका, एजुकेशन. अगर हम लोग अपने लोगों को एजुकेट कर दें तो ये सब चीज़ें हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं. वेल स्टडी द पॉपुलेशन चार्ट बिटवीन द 2011 एंड मेक नेसेसरी इंटरप्रिटेशन. देखो ये हमारी 1901 से लेकर 2011 तक की पॉपुलेशन दी गई है. पॉपुलेशन उस टाइम पे कितनी हुआ करती थी, कितने चेंजेस पॉपुलेशन में आए. ओके देखो 2001 के सामने देखो 18 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी थी. अगेन 2011 में 18 करोड़ 14 लाख हुआ था, कम तो हुआ. अभी आई थिंक 2021 में इससे और कम हो जाए तो मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ पॉपुलेशन अब बहुत हद तक कंट्रोल में आ रही है. उसके परसेंटेज कितना चेंजेस आया और एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, वो सब कुछ इसमें शो किया गया है. ओके नाउ अब आपको इसमें से कुछ चीज़ें निकालनी है. मार्क द डिकेड इन विच पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज. तो आपको वो सारे मार्किंग करने स्टडी करने के हिसाब से. इन विच डिकेड द पॉपुलेशन इंक्रीज इज मैक्सिमम, तो कौन से डिकेड में जो मैक्सिमम था. वेल आई कैन सी समवेयर इन बिटवीन 1971 के आगे 24.8 था, यानी उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो 2.48 थी, जो अगेन बहुत ज़्यादा था. ठीक है. इन विच डिकेड द पॉपुलेशन डिक्रीजिज सजेस्ट पॉसिबल रीजन्स.
देखो यहाँ पे 2019-11 के सामने देखो, 1921 के सामने देखो, पॉपुलेशन 7,72,000 कम हो गई थी। अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, उस टाइम पे स्वाइन फ्लू, स्पेनिश फ्लू फैला था, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। उस टाइम पे इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो कोई मेडिकल फैसिलिटी थी नहीं एंड ये सब। और अभी ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ी, क्योंकि उस टाइम पे लोग इलिटरेट ज़्यादा थे, पढ़े लिखे कम थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द डिक्रीज द पॉपुलेशन इन द ग्रोथ रेट ऑन द लास्ट डिकेड। क्यों? क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे हो गए, एजुकेटेड हो गए एंड समझदार भी हो गए। ओके, सो ये एंड ये था एंड इस चैप्टर का। अफकोर्स हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वेल, दिस इज़ द एंडिंग ऑफ पार्ट टू। आई होप आपको सेक्शन समझ में आया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर लिसनिंग।